राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद झारखंड के तमाम जिलों में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कोडरमा जिले में झुमरी तलैया शहर के गांधी आश्रम में सत्याग्रह किया गया, तो वहीं सरायकेला जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला मुख्यालय गुदड़ी बाजार स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संकल्प सत्याग्रह किया गया। इस दौरान तमाम कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोडरमा और सरायकेला की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्प सत्याग्रह पर बैठे और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्लोगन है कि पहले लड़े हम गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये स्लोगन हमने दिया और हमारा नेता राहुल गांधी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ में देश की संपत्ति को लूट करके भागने वाले को जो आवाज़ बुलंद किया, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग घबरा गए। राजेश ठाकुर जी के निर्देश पर आज पूरा झारखंड में विभिन्न सभी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सत्याग्रह का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो सदस्यता, संसदीय सदस्यता रद्द किया गया है, इसके विरोध में आज पूरा कांग्रेस परिवार की ओर से कोडरमा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम लोग सत्याग्रह में हैं और हम लोग इस लोकतंत्र हत्या के विरोध में हम लोग सत्याग्रह का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमको सूरत के कोर्ट से, राहुल गांधी जी को सूरत के न्यायालय से 30 दिन का मोहलत मिला था। सूरत के न्यायालय ने राहुल गांधी जी की जो सजा थी उसको बेल देते हुए 30 दिन तक के लिए सस्पेंड रखा था। फिर जब हमारी सजा 30 दिन के लिए सस्पेंडेड थी, राहुल गांधी जी की सजा 30 दिन के लिए सस्पेंडेड थी, तो फिर किस आधार पर मोदी जी ने आनन फानन में लोकसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर के साजिशन उनकी सदस्यता को रद्द करने का फैसला किया? हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी अघोषित रूप से इस देश में आपातकाल और तानाशाही शासन लागू करना प्रारंभ कर चुके हैं।